इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सदगुरु ने सनातन धर्म को उन कानों तक पहुंचाया है जिन्हें आज हम सो कॉल्ड एलीट क्लास या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं। और ये भी सच है कि ये काम आज के समय में उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। वो जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, वो जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में जाकर सनातन धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, शायद ही उनके अलावा कोई व्यक्ति हो जो इस तरीके से सनातन धर्म की बातें रखता है। लेकिन कई बार हम वो कर बैठते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं, या हम कुछ ज्यादा ही सोच विचार कर कोई काम कर देते हैं, या फिर कई बार अनजाने में हमसे कुछ हो जाता है। अब जो बात आ रही है, जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी आई है, वो ये कि सदगुरु ने महाशिवरात्रि के पर्व पर इस संगीत पर नृत्य किया जो उन्हें शायद नहीं कर देना चाहिए था। पहले तो वो देख लीजिए। वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि संगीत में ऐसा कुछ बुरा नहीं है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तो वही बात हुई कि बॉलीवुड की फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन वैसे तो नास्तिक है, लेकिन 786 नंबर का बिल्ला उसकी जान बचा देता है। अब्दुल बड़ा मेहनती है, बड़ा ईमानदार है, लेकिन उसी फिल्म में कपटी, लालची तो गंगू ब्राह्मण है। ठीक उसी तरह महाशिवरात्रि का पर्व है तो संगीत, धुन, गाना कोई और भी हो सकता था, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब ये क्यों आया, कैसे आया? जब आप किसी फिगर की तरह होते हैं, किसी आइकन की तरह होते हैं जिसमें दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हों, तो आपको एक एक कदम सोच संभल कर रखना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपके हाथों में नहीं होती। इतना बड़ा कार्यक्रम जब हो रहा है तो हो सकता है कुछ चीजें आपके हाथ में न हो, लेकिन आपको पहले से ऐसे देखना चाहिए कि आपके कार्यक्रम में आने वाले या उस कार्यक्रम को करवाने वाले लोग इस तरीके के तो नहीं है जो शायद ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दें जिसका आप उस समय विरोध न कर पाए और आपको वही करना पड़े कि कार्यक्रम चल रहा है उसमें कहीं रुकावट ना आए, तो फ्लो में चलते रहना पड़ता है और जो बाद में एक कॉन्ट्रोवर्सी की तरह खड़ी हो जाती है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सनातन धर्म के ऊपर, योग साधना के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जो सदगुरु ज्ञान देते हैं वो कहीं भी किसी तरीके से भी कम हो, लेकिन इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि हर एक चीज पर दुनिया नजरे गाड़े बैठी होती है, तो आपको भी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। और हम ये कोई नहीं होते उन्हें ये समझाने के लिए, या हम इतने बड़े अभी नहीं हुए हैं कि सदगुरु को ही कुछ समझा पाए। वो अच्छे से जानते हैं कि जब महाशिवरात्रि का पर्व है तो उस समय में इस तरीके का संगीत नहीं बजना चाहिए था। खैर अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।